हेलो बच्चों बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कांस्टेंट रिलेशन। और कांस्टेंट रिलेशन भी कौन सी? मूवेबल पुली वाले। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि इनके एक्सेलरेशन रिलेशन कैसे फाइंड करें या कौन सा ऑब्जेक्ट किधर चल रहा है। तो आज की वीडियो देख के, आप इस वीडियो को देख के गारंटी लेता हूँ मैं कि आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा और कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि गलती होगी ही नहीं उसमें। तो शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, लॉज ऑफ मोशन में। ये जैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे ऐसा क्वेश्चन आया कोई, देखो मूवेबल पुली है ना इसमें, तो ये ऑब्जेक्ट का एक्सेलेशन कितना होगा, इसका कितना होगा, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही कोई और ले लिया हमने कुछ इसी टाइप का, देखो इस क्वेश्चन में भी ये मूवेबल पुली है, इसमें ये वेज पर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा सर, एक्सेलेशन क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन ये इससे बंधा है, एक और ऑब्जेक्ट ऐसे बंधा है, ये ऐसे बंधा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, इनके एक्सेलेशन में क्या रिलेशन होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन, एक और जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, भरे पड़े हैं किताबों में। तो हर क्वेश्चन को हम नया क्वेश्चन समझते हैं जबकि ऐसा होता नहीं है, वो क्वेश्चन वही होते हैं, बस एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये ऐसे एक्सेलेटेड मोशन, और कोई क्वेश्चन जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये देखिए इसका एक्सेलेशन में क्या रिलेशन होगा इन ऑब्जेक्ट के, ये भी हवा में तैर रहा है और ये भी। ऐसा क्वेश्चन हो कोई जैसे कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल डायग्राम होंगे, तो इन सब क्वेश्चन का इलाज ढूंढेंगे आज, ठीक है। छोटी सी वीडियो है, इसमें ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करते हैं। इसे समझना है तो पहले कंसेप्ट समझो, इसके बहुत सारे तरीके हैं, टीचर अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। मुझे सबसे आसान तरीका जो लगता है उसकी बात करता हूँ मैं। वर्क डन समझिए पहले, वर्क, ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, फिर दोबारा समझा रहा हूँ, ये अगला चैप्टर है। वैसे तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डेल्टा आर कॉस थीटा, ठीक है। ये थीटा फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट इधर हो, तो वर्क डन का फॉर्मूला यही हुआ ना। अगर थीटा जीरो हो जाए, सोचिए कि फोर्स भी इधर ही की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही की तरफ, ठीक है। तो उस केस में थीटा जीरो होने पे कॉस जीरो कितना होता है बच्चों? वन। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी कि सीधे सीधे समझ लो कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क पॉजिटिव होता है, सीधी सी बात। थीटा पाई हो जाए, फोर्स आगे की तरफ है, ओ फोर्स पीछे मान लिया हमने, और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, ऐसा हो सकता है सर? हाँ बेटा हो सकता है। कैसे? जब आप बाइक चला रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस पीछे की तरफ है, आप आगे जा रहे हो, तो एयर रेजिस्टेंस का वर्क इसी हालात में होगा। अब कॉस पाई कितना होता है? माइनस वन। एफ डेल्टा आर कॉस पाई, कॉस पाई माइनस वन, तो माइनस एफ डेल्टा आर, तो वर्क नेगेटिव आ गया। तो इस तरीके से इसमें समझ में आया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। एक बात देखिए, जब हम एक बात को मानना है, अभी वर्चुअल वर्क होता है कि जो स्ट्रिंग का वर्क है, स्ट्रिंग का पूरे सिस्टम पे जो वर्क होता है, जो स्ट्रिंग अंदर बंधी है पुली के क्वेश्चन में, उनका नेट वर्क डन जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस डायग्राम में ये रस्सी है, एक ये और एक ये स्ट्रिंग है, और ये फिक्स पुली है और ये मूवेबल पुली है, ठीक है। इसका मास M2 लिख दिया मैंने, इसका M1। तो ये आपको अगले चैप्टर्स में प्रूफ करना है। अभी मैं सीधे बता दूं कि इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम पे है, वेट या इस ये जो क्लैंप वगैरह लगे हुए हैं, या जो इंटरनल फोर्स है जो एक दूसरे पे लगा रहे हैं, वो स्ट्रिंग है का फोर्स है, टेंशन, तो उसका टोटल वर्क डन जीरो है फिलहाल यहाँ, ठीक है। टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग क्या रहेगा? जीरो, क्योंकि वो पूरे वर्क डन पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बदल नहीं सकता, ठीक है, इंटरनल फोर्स है वो, तो अभी फिलहाल उसका वर्क डन जीरो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि इंटरनल फोर्स का वर्क डन जीरो रहे, इस केस में जीरो है, क्लियर। तो यहां हमेशा याद रखना है, ये मान लो आप कि टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग, टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। अब देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन होते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो बच्चे को ये लगता है कि यार कौन सा मास बड़ा है, कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा, कभी नहीं सोचना। आपको मान लो कि ये भी नीचे जा रहा है, ये भी, सर ऐसा हो सकता है?
अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो अपने आप प्लस माइनस ये बता देंगे कौन किधर जा रहा है, जब वैल्यू सॉल्व करेंगे मास की वैल्यू रख के। अभी फिलहाल कांस्टेंट रिलेशन बनानी है तो डायरेक्ट दोनों को नीचे मान लो, एक को ऊपर नीचे मान लो, एक को नीचे, फर्क नहीं पड़ता। सबसे बेटर तरीका होता है सबको डाउनवर्ड मान लो, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी। जैसे देखो, अब ये मैंने माना कि इस पर टेंशन, देखो ये टी, ये टी, ये टी, ये टू टी, ठीक है। मान लिया कि ये नीचे जा रहा है, एक्स वन डिस्प्लेस होगा नीचे की तरफ और ये डिस्प्लेस होगा एक्स टू नीचे की तरफ। टोटल वर्क डन देखते हैं, पहले इस पर देखते हैं। देखो इसका फोर्स ऊपर की तरफ है ना, इससे अटैच एरो देखो, टेंशन ऊपर है ना इस पर, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की तरफ। तो कितना एंगल हुआ इनके बीच में, 180। कुछ बच्चे ध्यान दें कि जब टेंशन देखनी होती है तो दो एरो बनाते हैं और जो ऑब्जेक्ट से अटैच एरो होता है उसको देखते हैं बस। तो टी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, एंगल कितना हुआ, 180। तो नेगेटिव वर्क होगा ना इसकी वजह से, अभी जो लिखाया था। फिर देखो 2t, इस पे टेंशन ऊपर की तरफ है, ये एरो देखना है ऑब्जेक्ट, M2 से अटैच एरो ये है, X2 नीचे की तरफ है, तो कितना एंगल हुआ इसमें, इसमें भी 180 हुआ, तो ये भी नेगेटिव वर्क, 0। अभी लिखाया था ना वर्क डन। तो देखो टी 0 में जाएगा, माइनस 0 में जाएगा, X1 प्लस 2 X2 इक्वल टू 0। एक बार अगर इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आई, कई बार इसको भी पूछ लेता है। फिलहाल हमें वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन रिलेशन देखनी है, तो मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। देखना इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो v1 प्लस 2v2 इक्वल टू 0। अच्छा अब इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिख रहा है हमें ऐसे, तो कितना होगा, a1 प्लस 2a2 इक्वल टू 0। ये एक्सेलेरेशन में रिलेशन है, समझे बच्चों। तो ये एक्सेलेरेशन में रिलेशन आ गया, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन। ये तीनों है वैसे तो कांस्टेंट रिलेशन, लेकिन जरूरत हमें इसकी पड़ती है ज्यादातर लॉज ऑफ मोशन में, पुली के क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिया, ठीक है, इसको M2 मान लिया, इसका M1, इसमें भी एक्सेलेरेशन में रिलेशन बताने, भाई सॉल्व तो बाद में होगा, पहले एक्सेलेरेशन में रिलेशन पता करने होते हैं। तो कांस्टेंट रिलेशन चाहिए, क्या करें बच्चों, टेंशन बनाते हैं पहले, टी इधर से शुरू करते हैं, टी, ये टी आपको पता होना चाहिए, ये 2t होता है, ठीक है, और एक ही रस्सी है तो इसमें पूरे में 2t, ठीक है। अब देखो ये नीचे जाएगा, अब सर क्वेश्चन है कि सर M2 बड़ा दिख रहा है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, जरूर थोड़ी है, थर्मोकोल का डब्बा भी हो सकता है ये, तो कोई भी किधर जा सकता है, जब तक मास ना हो और सोल्व ना करे तब तक नहीं पता लगता, तो इसमें सोचना भी नहीं होता। दोनों को डाउनवर्ड मान लो, इसको भी डाउनवर्ड मान लिया, इसको भी डाउनवर्ड, ठीक है। अगर ऐसे सोचो कभी गलती नहीं होनी, वो किताब के सोल्यूशन देखोगे तो फिर भाई फंस जाओगे। तो आंसर मैच करने आपको, X1 X2 सोल्यूशन मैच नहीं करना, आंसर मैच करने, ये भी डिस्प्लेसमेंट नीचे है, ये भी डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बारे में देखो, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक टी ऊपर लग रहा है, X1 नीचे लग रहा है, तो कितना एंगल हुआ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, 180, तो यानी कि नेगेटिव वर्क कर रही है टेंशन। इस पे टी प्लस 2t, दोनों टेंशन देखेंगे भाई, दो फोर्स लग रहे हैं, दो टेंशन है, फोर्स तो वेट वगैरह भी है, लेकिन टेंशन रस्सी का फोर्स देखते हैं बस, टी और 2t, 3t ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट की तरह नीचे की तरफ, तो वर्क डन इस पे भी नेगेटिव है। तो देखो टी इंटू X1 माइनस में, ठीक है, नेगेटिव वर्क, माइनस 3t इंटू X2 इक्वल टू 0। समझ में आया क्या करा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस, क्योंकि नेगेटिव वर्क है, तो देखो माइनस चला जाएगा, टी चला जाएगा, X1 प्लस 3x2 इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों, एक बार इसे डिफरेंशिएट करोगे पहले की तरह कितना आएगा, ओ ओ ओ 0। ऐसे क्या लिखेंगे इसको, v1 प्लस 3v2 इक्वल टू 0। एक बार फिर डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ गया एक्सेलेरेशन में रिलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देखें, देखो और इससे फर्क नहीं पड़ता कि एक्सटर्नल फोर्स किधर है, इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है। जैसे एक मैं हॉरिजॉन्टल का क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है, ऐसे दिखा रखे कि सिर्फ आगे की तरफ इसको खींच रहे हैं, इसका नाम M2, नाम नहीं सॉरी मास है इनके, ये M3 कर दिया, ठीक है। इनके एक्सेलेरेशन में रिलेशन बताना है, कुछ नहीं सोचना। देखो क्या करेंगे, इसके एक्सेलेरेशन A3, ठीक है,
इसका ए वन मान लिया, इसका ए टू। टेंशन देखो पहले, टी टी ये कितना होगा, टू टी। ठीक है सर, एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ, सोचना ही नहीं है। एक्सटर्नल तो वेट भी होता था, नॉर्मल एक्शन नहीं सोचना है आपको, टेंशन का देखना है बस। तो ये भी आगे जाएगा, ये एक्स टू आगे बढ़ेगा, मान लो ये एक्स वन आगे बढ़ेगा और ये एक्स थ्री। इस पे टेंशन आगे की तरफ, पहला एरो देखते हैं ये वाला, देखो इस पे टेंशन आगे की तरफ, इस पे टेंशन इससे अटैच एरो पीछे की तरफ है, टू टी है ना। तो देखो इस पे वर्क पॉजिटिव होगा, इस पे वर्क पॉजिटिव होगा और इस पे वर्क नेगेटिव होगा, टू टी पीछे और ये इक्वल टू जीरो। तो एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। समझ रहे बच्चों कितना आ गया ये? एक बार डिफरेंशिएट करो तो वेलोसिटी में रिलेशन आएगा, और एक बार डिफरेंशिएट करो अगेन तो एक्सेलेरेशन में रिलेशन आएगा। हाँ ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब एक क्वेश्चन पूरा सोल्व करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। अब एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन तो बड़े दिमाग के दही कर जाते हैं, जैसे ये देखो, इसमें बिल्कुल समझ में आता है कौन किधर जाएगा। ठीक है देखो बच्चों, ये 5 केजी, और देखो और मजेदार डाटा देता हूँ, ये 3 केजी, ये 2 केजी, ये 1 केजी। चलो पहले तो चेक करता हूँ कि तुम्हें कितना आता है लॉज ऑफ मोशन। पहले बताओ ये टोटल कितना हुआ, 3 केजी, ये 3 केजी। क्या ये सिस्टम मूव करेगा, क्या ये पुली चलेगी? है हाँ चलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होता है वो इन दोनों के वेट के सम से कम होता है। अपने अगर लॉज ऑफ मोशन के एटवर्ड मशीन के क्वेश्चन करें तो पता होगा। तो फिलहाल हम इन सबको मानने के चल रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि सर ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, बड़ा कंफ्यूजन है। तो सीधा तरीका होता है कि सबको डाउनवर्ड मान लो। अरे सर ये तो बदतमीजी है सर। हाँ बेटा मानना पड़ेगा, और जो आंसर पॉजिटिव आएगा इसका मतलब वो सही जा रहा है ऑब्जेक्ट, और जो नेगेटिव आएगा वो ऊपर जा रहा है, उल्टा जा रहा है। ठीक है ये करना होता है, इसको पूरे को सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले कॉन्स्टेंट रिलेशन, इस पे टी, ये टी, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, टी टी टू टी। ठीक है बच्चों, अब देखो ऐसे ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा x3, ये नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा x2, इसका होगा x1। तो देखो सब पे नेगेटिव वर्क हो रहा है, ये ऊपर फोर्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ऊपर फोर्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ऊपर 2t डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, तो सबके नेगेटिव वर्क है। तो माइनस टी इंटू एक्स वन, इस पे माइनस टी इंटू एक्स टू, माइनस टू टी इंटू एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। देखना बच्चों एक्स वन प्लस एक्स टू, टू एक्स थ्री इक्वल टू जीरो। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी में रिलेशन। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलेरेशन में रिलेशन। क्लियर है, समझाई बात? अब क्या करना है, अब तो मास दे रखे हैं आज तो तुम्हें ये वैल्यू, तो इसको तो सॉल्व करके भी बताना है। मान लो कांस्टेंट रिलेशन पूछ ले तो बहुत ही बढ़िया है। अगर पूछ रहा है कि मासेस के इनके एक्सेलेरेशन की वैल्यू बताओ, तो भाई अब एफबीडी की जरूरत है। पहले एक बात ध्यान देनी होती है कि कितनी इक्वेशन की जरूरत है। तो देखो ए वन ए टू ए थ्री तीन अननोन है आपके पास, और चौथा अननोन है टेंशन, यानी कि चार इक्वेशन की जरूरत है। तो एक तो बन चुकी है, चौथी इक्वेशन, चार बाकी तीन इक्वेशन कैसे बनेगी? तो देखो एक्सटर्नल फोर्स बनाया 3g, इस पे कितना लगेगा 2g, इस पे 1g, और बिना एफबीडी के कभी क्वेश्चन नहीं करते। तो पहले किसका बनाते हैं, 1g का बनाते हैं। बताओ बच्चों ये नीचे जा रहा है ना, आज हम पूरा क्वेश्चन सोल्व करके वैल्यू देख रहे हैं कि ए वन ए टू ए थ्री कितना आएगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो नीचे जा रहा है ना ये, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा। तो 1g माइनस t इक्वल टू 1a1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो ये क्या होगा, ये सेकेंड। इसकी क्वेश्चन देखो, इसका एफबीडी बनाओ 2g, ये t है ना, नेट ये भी नीचे जा रहा है a2 एक्सेलेरेशन से। तो नेट फोर्स 2g माइनस t इक्वल टू 2 इंटू ए टू। ठीक है इसकी इक्वेशन देखो, 3g 2t ऊपर की तरफ, नेट एक्सेलेरेशन इसका भी नीचे है। तो इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, 3g माइनस 2t इक्वल टू 3a3। ठीक है बच्चों, अब कैसे सोल्व किया जाते सर, चार वेरिएबल चार इक्वेशन। तो एक तरीका है कि सीधे सीधे a1 a2 a3 की वैल्यू इसमें रख दो। ठीक है सबसे पहले टेंशन आएगी, और बिना टेंशन के आएगी तो वो सोल्व कर लो, वहाँ से टेंशन आ गई, इन सब में वैल्यू रख दो। आंसर जो पॉजिटिव आएगा इसका मतलब वो सही है, वो नीचे जा रहा है, और जो नेगेटिव आएगा इसका मतलब वो अपवर्ड जा रहा है।
तो ये तरीका था एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। एक दो क्वेश्चन में और बता देता हूँ कॉन्स्टेंट रिलेशन, मतलब आज के बाद अपना मेथड अडॉप्ट कर लिया, इसी से हर क्वेश्चन पे भिड़ जाना, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं, ये बेसिक से क्वेश्चन है, नीट वीट सब में ही आ जाते हैं, नहीं आते तो आ जाते हैं, अब नए नए क्वेश्चन डालने हैं उनको, कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन। अब देखो ये M2, ये M1, ठीक है, इनके एक्सेलरेशन रिलेशन बताना। अब ये आगे इंक्लाइंड प्लेन है सर, कुछ भी नहीं सोचना इंक्लाइंड इंक्लाइंड से, इसको मान लो नीचे आ रहा है, इसको मान लो ऊपर जा रहा है, या दोनों को नीचे मान लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इतना तो सीख गए हो गए। अब ये टी, ये टी, ये टी, ये कितना हुआ, टू टी, टू टी। अब देखो ये एक्स टू, ये एक्स वन, क्लियर है बच्चों, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इस पे वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव है, टू टी ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे तो नेगेटिव, तो टू टी इंटू एक्स टू नेगेटिव वर्क, और इस पे टी इंटू एक्स वन इक्वल टू जीरो आ गया, टू एक्स टू इक्वल टू एक्स वन, यानी कि टू ए टू इक्वल टू ए वन। बेटा कहीं से ले आओ क्वेश्चन, कोई सा भी कर लो आप, फिर भी अगर तुम्हारा डाउट है तो उसे बॉक्स में लिखो या व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है उस पर दो, करते हैं सॉल्व, बढ़िया से मेहनत करो, थैंक यू, गुड लक।